अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खान मम्मी किचन में वेलकम, खुश आमदीद फ्रेंड्स। चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं मुहर्रम शरीफ का शरबत। फ्रेंड्स ये वीडियो डालने में ज़रा लेट हो गई, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। फ्रेंड देखिए मैंने 5 लीटर दूध लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से इसे गर्म कर लेना है। बड़े तपीले में मैंने इसे रख दिया है गर्म होने, ताकि उबाल के बाहर ना आइए। गहरा तपीला है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और मैं इसको गर्म होने के लिए रखूँगी। और अब फ्रेंड्स ये देखिए मैंने अगर लिया है, ये सब्ज़ा है अगर है, आप देख सकते हैं सब्ज़ा मैंने पानी में भिगा कर रख दिया है। और अगर मैंने पका लेना है, देखिए 2 पैकेट्स अगर मैंने लिया है पकाने के लिए। ये देखिए मैंने पानी दूसरे तपेली में गर्म होने रखा है, जिसमें मैं शक्कर डाली हूँ। शक्कर डालने के बाद में इसे उबाल आने दिया है। अब उबाल आने के बाद इसमें मैं अगर शामिल करूँगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं शक्कर आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग लें, बट इसमें शक्कर थोड़ा सा मीठा ये रहता है, तो इसमें मीठे के लिए हमें शक्कर डालना ज़रूरी है। बिना शक्कर का फीका फीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ये। इसमें देखिए मैंने वैनिला एसेंस थोड़ा सा डालना है, ताकि इसकी वैनिला एसेंस की खुशबू अच्छी सी इसमें आ जाए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने वैनिला एसेंस लिया है, और अब मैं इसमें 1 ड्रॉप वैनिला एसेंस डालूँगी, और अब इसमें मिला कर चला दूँगी। ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएगा उसके अंदर गर्म पानी में, अगर बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा। देखिए इसे और हमें अच्छी तरह पका लेना है उबाल आने के अंदर, फिर इसे हम उतार देंगे। अब फ्रेंड देखिए मैंने इसे गर्म है ये अभी, और मैंने इसे 2 बर्तनों में अलग अलग निकाला है, आप देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से ट्रे ले लें, जैसे या सासर या ट्रे जो भी आपके पास है उसमें आप इसे रख लें फैलाकर। और इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें मैं कुछ फूड कलर शामिल करूँगी। ये ग्रीन फूड कलर है, ये रेड फूड कलर। अब फ्रेंड्स इसे मैं आराम से मिला लूँगी। फ्रेंड्स इसे आराम से मिला लेना है, ज़्यादा झटके से नहीं करना है, वरना ये पानी छुटा इधर उधर हो जाएगा, और हमें एहतियात से करना है। ये देखिए बिल्कुल आराम से, ताकि पूरे इसमें कलर अच्छे से मिल जाए, कहीं पर जमा ना रहे ये। और अब हम ग्रीन कलर करेंगे। देखिए ग्रीन कलर मैंने इसमें मिला लिया, इसे भी इसी तरह से हम मिलाकर रख देंगे। इसको मिलाकर रख देंगे हम जाली की तरह, जब ये हो जाएगा तब इसे हम देखेंगे। इसे ठंडा होने के लिए हमने इसी तरह से मिलाकर रख देना है। आप देख सकते कलर कितना प्यारा आया है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसे अभी रख दिया ठंडा होने के लिए, और अब चलिए हम दूध की तरफ जाते हैं। ये देखिए दूध में भी उबाल अच्छे से आने लगा है, बहुत ही अच्छे भाप, देखिए अब कितना अच्छा भाप आ रहा है इसमें, और अच्छे से उबाल आ रहा है दूध के अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने शक्कर लिया है दूध में डालने के लिए। देखिए आप अपने हिसाब से दूध में शक्कर डालना। 5 लीटर दूध में मैंने आई थिंक 1.25 किलो तक के शक्कर लिया है इसमें। 1.25 किलो से 1 किलो बस बहुत ज़्यादा हो गया, उससे ज़्यादा नहीं हमें इसमें लेना है शक्कर। पौना किलो तक शक्कर सही है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने वज़न करके नहीं लिया है, बट अपने हिसाब से हम जो लेते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा उससे टेस्ट हो रहता है। ये देखिए मैंने कस्टर्ड लिया है, ये पिस्ता कस्टर्ड है, ये थोड़ा सा कस्टर्ड मैं इसमें डालूँगी। फ्रेंड्स आप इसे फ्रेंड्स मैं इसमें कटोरी में दूध लेकर मैं इसमें कस्टर्ड मिलाकर और अब इसमें दूध में डालूंगी, और फिर इसे अच्छी तरह से चला लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने कुछ
ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसे मैंने फ्राई करके ले लिया है, और अब दूध गर्म अच्छे से हो रहा है। मैंने इसमें कस्टर्ड भी अच्छे से मिला लिया है, देखिए बिल्कुल इसमें लम्स नहीं है। आप इसे कस्टर्ड डालते वक्त चलाते रहें और डालते रहें। देखिए फ्रेंड्स, ये ड्राई फ्रूट भी मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए अब ये दूध गर्म हो चुका है, मैंने इसे उतार दिया, बिल्कुल अच्छी तरह से खोल गया था ये माशाल्लाह से, और अब मैं इसे उतार दी, इसमें ड्राई फ्रूट डाल के चला दी हूँ। और अब फ्रेंड्स इसके अंदर मैं रोहब्जा डालूँगी। आप देख सकते हैं इसमें मैं रोहब्जा डाल रही हूँ फ्रेंड्स, रोहब्जे से कलर बहुत अच्छा आ जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरा तैयार हो गया है, ये देखिए बिल्कुल हाथों में नहीं लग रहा है। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे, क्यूब की साइज़ में कटिंग करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे कटिंग कर रही हूँ। बस इसी तरह से आप इसे कटिंग कर लें। देखिए इस तरह क्यूब की तरह मैंने इसे कटिंग कर लिया है। अब फ्रेंड्स हम रेड वाला भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इसे भी इसी तरह से कटिंग कर लेना है क्यूब की तरह। फ्रेंड्स इससे थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा हो जाता है और लुक भी बहुत अच्छा हो जाता है शरबत का हमारे। बट ये ध्यान देना है कि क्यूब के जब हम बनाएं, अगर डालें पानी में तो पानी मीठा होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स कैसा जेली जैसा ये निकला है, आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये देखिए, मैं इसमें बर्फ़ होने के लिए रखी थी, तो बर्फ़ थोड़ा बराबर से नहीं बना था, तो थोड़ा सा उसमें वाटर कूल था तो मैंने वो भी डाल दिया आइस के साथ। और ये मैं अब ये डाल रही हूँ, अगर इसमें डाल रही हूँ जाली क्यूब्स। और फ्रेंड्स ये क्यूब्स डाल देना है मुझे इसमें, और इसमें मैंने सब्ज़ा भी डाल देना है। ये देखिए मैंने दोनों भी डाल दिया इसके अंदर क्यूब, और अब इसमें मैं सब्ज़ा डालूँगी। देखिए सब्ज़ा भी डाल दिया मैंने इसके अंदर, और अब इसे मुझे अच्छी तरह से चला लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से चला लेंगे हम। फ्रेंड्स शरबत में कभी भी शक्कर, थोड़ा सा शक्कर जो हमारे को लगता है उसे, क्योंकि हम इसमें आइस डालते हैं तो वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट उतर जाता है। इसीलिए हम लोग मतलब जैसा भी आप अपने हिसाब से बनाएं, इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा, क्योंकि हम लोग अंदाज़ से बनाते हैं और अंदाज़ से माशाल्लाह से बहुत ख़तरनाक बनता है। फ्रेंड देखिए ये हमारा शरबत तैयार हो गया, मैंने इसमें थोड़ा सा एप्पल ग्रीस करके डाला था, और बहुत ही टेस्टी बहुत ही ख़तरनाक सा शरबत तैयार हुआ है। फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और नॉर्मल डेज़ में भी आप इसे बना कर पिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स चलती हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कुछ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स मुझे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर देना। अल्लाह हाफिज़।